हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए 20 फिट बाय 35 फिट का प्लान लेके आया हूँ। यानी कि 20 फिट इसका फ्रंट रहेगा, यानी कि ये जो इसका फ्रंट है 20 फिट रहेगा, और लंबाई जो रहेगी वो 35 फिट रहेगी। इस पूरे प्लान के अंदर हमने दो बेडरूम दिए हैं, एक बेडरूम के साथ हमने अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया है। आपका लिविंग एरिया हमने यहाँ पर दिया है, ये किचन हो जाएगा आपका। यहाँ से हमने स्टेयर्स दिए हैं, आपका एंट्रेंस दिया है, यहाँ पर आपकी बाइक आ जाएगी, और यहाँ पर हमने कॉमन टॉयलेट बाथरूम भी दिया है। तो पहले बात करते हैं हम इसकी आउटर वॉल की। तो आउटर वॉल जो हमने प्रोवाइड की है वो 9 इंच की आउटर वॉल हमने इसमें रखी है। इनर वॉल जो है वो हमारी 4 इंच की है। अगर प्लॉट साइज़ की बात करें तो ये हमारे 700 स्क्वायर फिट का प्लॉट है। अगर गज में बात करते हैं तो ये 78 गज यानी कि 78 गज का प्लॉट है। और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि टोटल कॉलम्स जो हमने दिए हैं वो हैं 12 कॉलम्स हमने इसके अंदर दिए हैं। कॉलम साइज़ जो रहेगा वो 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम साइज़ रहेगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसकी हाउस कॉस्टिंग बनाऊंगा, यानी कि एक मंजिल बनाने में आपका कितना पैसा लगेगा, कितना खर्चा होगा। पहले इसकी डायमेंशंस की बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी एंट्रेंस यानी कि मेन एंट्री से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यह है इसका मेन एंट्रेंस, यहाँ से आपकी एंट्री होगी। इसके जो डायमेंशन है वो है हमारा 8 फीट बाय 11 फीट 2 इंच का, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 8 फीट हो जाएगा, और यहाँ से इस स्टेयर से लेके यहाँ तक हमारा 11 फीट 2 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी बाइक इजीली पार्क हो जाएगी, और आप चाहो तो इसको अपना सेट आउट एरिया भी बना सकते हो। अब जो स्टेयर्स के नीचे जो स्पेस बचेगा वहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन ये सब रख सकते हो। फिर आप देख रहे हो एंट्रेंस के बिल्कुल सामने यहाँ पर हमने कॉमन टॉयलेट बाथरूम प्रोवाइड किया है। तो ये हमारा कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, ये आपके गेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसकी जो डायमेंशन है हमारी वो है 8 फीट बाय 4 फीट की, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 8 फीट रहेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 4 फीट रहेगा। ये हमारा कॉमन टॉयलेट बाथरूम हो जाएगा। इसका वेंटिलेशन हमने यहाँ पर दिया है, 2 फीट वाइड वेंटिलेशन हमने यहाँ पर रखा है। तो इस कॉमन टॉयलेट बाथरूम की जो भी गैस होगी वो इस वेंटिलेशन के थ्रू पास आउट हो जाएगी। फिर हम चलते हैं अपने एंट्रेंस से सीधे अपने लिविंग एरिया में। तो यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो आप अपने लिविंग एरिया में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिविंग एरिया प्रोवाइड किया है। इस लिविंग एरिया के जो डायमेंशन हमने दिए हैं वो है हमारे 12 फीट 5 इंच बाय 11 फीट 2 इंच। ये हमारा लिविंग एरिया है, यानी कि 12 फीट 5 इंच, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 12 फीट 5 इंच रहेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 11 फीट 2 इंच रहेगा। तो यहाँ पर हमारा सोफ़ा सेट इजीली आ जाएगा, और आप चाहो तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल भी डाल सकते हो। इस लिविंग एरिया की विंडो हमने एक यहाँ पर विंडो प्रोवाइड की है एंट्रेंस के पास ही, यानी कि 3 फीट वाइड विंडो हमने यहाँ पर दी है। फिर हम चलते हैं अपने किचन की तरफ। तो यहाँ पर हमने किचन प्रोवाइड किया है, आप देख सकते हो ये हमारा किचन है, हमने यहाँ पर किचन दिया है। इस किचन की जो डायमेंशन है हमारी वो है 8 फीट 1 इंच बाय 7 फीट की, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ही हमारा 8 फीट 1 इंच रहेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ही हमारा 7 फीट रहेगा। तो ये हमारा किचन हो जाएगा। इस किचन की विंडो हमने यहाँ पर दी है, 3 फीट वाइड विंडो हमने यहाँ पर प्रोवाइड की है। तो किचन की जो भी स्मेल होगी वो इस विंडो के थ्रू पास आउट हो जाएगी। फिर हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम के पास, यानी कि अपना फर्स्ट बेडरूम है ये हमारा। इस बेडरूम के साथ हमने अटैच टॉयलेट बाथरूम प्रोवाइड किया है। तो बात करते हैं इसकी डायमेंशन से बेडरूम की। तो बेडरूम की जो डायमेंशन है वो है हमारी 11 फीट बाय 9 फीट की, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 11 फीट रहेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 9 फीट रहेगा। तो ये हमारा बेडरूम हो जाएगा। इस बेडरूम के साथ हमने अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसकी जो डायमेंशन है हमारी वो है 5 फीट बाय 6 फीट का, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 5 फीट रहेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 6 फीट रहेगा। इस अटैच टॉयलेट बाथरूम का वेंटिलेशन हमने यहाँ पर दिया है जो OTS से कनेक्ट है। तो 2 फीट वाइड वेंटिलेशन हमने यहाँ पर दिया है। तो इस अटैच टॉयलेट बाथरूम की जो भी गैस होगी वो इस वेंटिलेशन के थ्रू पास आउट हो जाएगी। इस बेडरूम में से हमने एक डोर और प्रोवाइड की है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये यह हमारी OTS की डोर है। OTS में जाने के लिए हमने यहाँ पर डोर प्रोवाइड की है। OTS की बात करें तो इसका जो डायमेंशन है वो है हमारा 5 फीट बाय 2 फीट 8 इंच का, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 5 फीट रहेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 2 फीट 8 इंच रहेगा। तो ये हमारा OTS हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम यानी कि लास्ट बेडरूम की तरफ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने अपना सेकंड बेडरूम दिया है, ये हमारा सेकंड बेडरूम है। इसकी जो डायमेंशन है हमारी वो रहेगी 12 फीट बाय 9 फीट 2 इंच की, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 12 फीट रहेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 9 फीट 2 इंच रहेगा। तो यहाँ पर हमारा बेड आ जाएगा, यहाँ हमारा TV हो जाएगा, आप इस साइड अपना वार्डरोब रख सकते हो। इस बेडरूम की विंडो हमने दो जगह प्रोवाइड की है, एक विंडो हमने यहाँ पर दी है, और दूसरी विंडो हमने OTS से कनेक्ट दिया, आप यहाँ पर देख सकते हो।
दोनों विंडो का साइज़ जो हमने रखा है वो 4 फीट वाइड विंडो हमने यहाँ पर प्रोवाइड की है। तो यह था हमारा 20 फीट बाय 35 फीट का प्लान। अब मैं आपको बता दूँ, इसका एक मंजिल बनाने में जो खर्चा आएगा वो लगभग आपका आएगा 7 लाख रुपये, यानी कि 7 लाख रुपये में आपकी एक मंजिल बनकर तैयार हो जाएगी। तो यह था हमारा 20 फीट बाय 35 फीट का प्लान। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।